राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए इस्तेमाल में लिए जा रहे रैपिड टेस्ट किट से फिलहाल जांच रोक दी है। दरअसल जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच करने पर भी इस किट ने नेगेटिव रिजल्ट दिए थे, जिसके बाद जांच किट की रिपोर्ट पर संदेह हुआ। इसको देखते हुए रैपिड टेस्टिंग किट से जांच का काम रोक दिया गया है। अब रैपिड टेस्टिंग किट की गुणवत्ता परीक्षण के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने शोध शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में जब डॉक्टरों ने इस किट से संक्रमित मरीजों का टेस्ट किया तो 95% मामलों में इसने टेस्ट को नेगेटिव बता दिया। अब डॉक्टरों के अनुसार इस किट की सफलता की दर सिर्फ 5% है। जयपुर के SMS कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट ने 100 मरीजों पर इसका परीक्षण किया। इस दौरान इन मरीजों में से 5 पॉजिटिव मिले, जबकि 95 संक्रमित मरीजों की जांच रिपोर्ट में उन्हें कोरोना संक्रमण से मुक्त बताया गया। चिकित्सकों का मानना है कि कोरोना के लिए PCR जांच ही सही है। इस संबंध में डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट राजस्थान सरकार को भेजी थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में फिलहाल ऐसे 10,000 किट आए हैं। इस किट से जांच की लागत करीब 600 रुपए आती है। वहीं बताया जा रहा है कि ऐसे किट की एक और खेप आने वाली है, जिसमें करीब 2 से 2.5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट हो सकते हैं। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 98 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 50 नए केस जयपुर में मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1576 पहुँच गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामले मिलने की दर जयपुर में सबसे ज्यादा है और यहां पर 50 नए मामले सामने आए हैं, जबकि जोधपुर में कोरोना संक्रमण के 32 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोटा में 7, नागौर में 3, झुंझुनू में 2, अजमेर, टोंक और बांसवाड़ा में एक एक पॉजिटिव मरीज की जानकारी मिली है। इस लिस्ट में ईरान से आया एक भारतीय भी शामिल है। राज्य के 26 जिलों में कोरोना संक्रमित लोग पाए जा चुके हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।